हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मस्त। और भाई, जब भी अपन महिंद्रा बुलेरो पिकअप की वीडियो बनाते हैं यार, यही शर्ट और यही पेंट आता है। बस देखो यार तुम, मतलब किस्मत देखो, यही पेंट और यही शर्ट, अब क्या ही बताएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए है जो कि इलेक्ट्रॉनिक 1.70 या 1.3 एंड जो न्यू वाली बुलेरो आ रही है वो चलाते हैं। तो बेसिकली इनमें एक प्रॉब्लम आती है इंजन के नीचे, इंजन लाइट ये वाली। एक मिनट, वापस से मैं ये इंजन लाइट है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है ब्रो, ठीक है ना? अगर आप इससे नहीं समझते हो तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो पहले एक वीडियो देखो जो कि बहुत पुरानी है मेरी, और उससे देखो पहले, फिर बात करते हैं। तो गाइस, अभी जो है मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। ये गाड़ी अपन ने ऑन की, बिल्कुल न्यूट्रल है एंड यहाँ पर देखो इंजन लाइट शो हो रही है और ये स्टार्ट भी नहीं हो पा रही है। अब यार ये पहले भी हुआ है ऐसा, ये देखो। बट पता नहीं यार क्या दिक्कत आ गई इसमें, अब इसको ठीक करना पड़ेगा। मुझे आता है थोड़ा बहुत, बस स्टिल ठीक करते हैं अपन इसे। तो ये चाबी निकालते हैं पहले एंड यहाँ के सेंसर्स को अपन एक बार निकालेंगे। एक मिनट, अभी एक बार इसे चेक करते हैं अब शो हो रही कि नहीं हो रही है। देखो अब चली गई, अब स्टार्ट करके देखते हैं इसे। एक मिनट यार, मेन पावर सिस्टम तो मैंने बंद ही कर दिया, वापस से इसे बंद करते हैं, की निकालते हैं और वापस से इसे लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई यार ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी और ये न्यू वाली में भी आती है, शायद आती है ये। ओके बट फिर भी यार पता नहीं क्यों दिक्कत क्यों आ रही है। तो अभी इसे रिवर्स करते हैं एंड देन लगाते हैं मुकाम पर। अभी बहुत बड़ी दिक्कत होती है और ये आसानी से बंद भी नहीं होती है, तो आज मैं इसको बंद करने की एक निंजा ट्रिक बताता हूँ जो कि 80% वर्किंग हो सकती है, किसी किसी सीन में 100% भी वर्किंग भी हो सकती है और किसी में नहीं भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपके पास बुलेरो कौन सी है, पिकअप कौन सी है। ओल्ड वाली होगी तो नहीं करेगी, न्यू वाली होगी तो 90% चांस है, 80-90% की ये ट्रिक काम कर जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कंपनी को फ़ोन नहीं करना है और बीमे वाले को, किसी को फ़ोन नहीं करना है, ठीक है ना? किसी को भी नहीं करना है। बेसिकली आपको करना क्या है, फर्स्ट अपनी गाड़ी की चाबी को निकाल देना है, पूरा ही निकाल देना है एंड करेंट वगैरह सारा बंद हो जाएगा, है ना? उसके बाद थोड़ी गंदी हो रही गाइस, इग्नोर करना, ठीक है ना? यहाँ पर ये वाला सिस्टम खुल जाता है जैसे मैंने खोला है। यहाँ पर आपको ये दो वायर मिलेंगे, दो नहीं चार पांच है बट ये दो मिलेंगे आपको, ठीक है ना? इन दोनों को आपको निकाल देना है और ये मेन चीज़ होती है जबकि आप चाबी को लगाते हो एंड अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी मैंने ये चाबी को लगाया एंड अगर मैं इस वाले वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद जो है मैं स्टार्ट करता हूँ तो करंट आ रहा है और न्यूट्रल कर देते हैं एक मिनट, बट गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। देखना ये देखो, फुल चाबी को मैंने घुमाया हुआ है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यही वो निंजा ट्रिक है एंड उसके बाद आप लगा दो इसे वापस से। एक मिनट यार, मोबाइल पकड़ने में नहीं आ रहा। तो अपन ने इसे लगा दिया है और पैकिंग कर देते हैं यार पहले से, ठीक है? तो अब जो है मैं गाड़ी को स्टार्ट करने वाला हूँ, ये देखिए एंड न्यू फ्री है। तो अब देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। तो अब जो है देखो, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है और बस यही दिक्कत है, जो वो तार बताया था मैंने वो मेन पावर का होता है और पावर कट हो जाती है जिससे कि जो मोटर रहती है घूमने वाली वो बंद हो जाती है।
ये कर लिया, आपको चाबी निकालना है, उसके बाद ये वायर निकालना है यहाँ का, एंड उसके बाद सेकंड काम जो है वो करना है आपका, वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो। सबसे पहले आपको बाहर निकलना है, एंड बाहर निकलने के बाद आपको अपना बोनेट को खोलना है। ओके, तो आपने अब बोनेट खोल लिया है, और सेकंड काम जो है वो बैटरी के वायर्स निकालना है, प्लस माइनस दोनों के वायर को निकाल देना है, जिससे कि जो पावर सप्लाई होगी वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ये इंजन लाइट जो होती है, तो आप ये कर सकते हो। फर्स्ट आपको ये वाला सेंसर जो इसे रिमूव कर देना है, ठीक है ना, इसे निकालना है, ये सिंपल निकल जाएगा, ये देखो ये निकल गए, और अभी लगाना नहीं है, ठीक है ना, मैं तो लगा रहा हूँ। इसे ये वाला सेंसर्स को निकालना है, इसके बाद अरे यार ये वाला सेंसर है मेरे हाथ में, इसे निकालना है। ये भी जो न्यू वाली आती है वो ये वाला सेंसर से यहीं पर रहता है, और ये वाला भी यहीं पर रहता है, तो दोनों को निकाल देना है, एंड वायर्स को निकाल देना है। उसके बाद जो है आपको चाबी को एक बार ऑन ऑफ कर लेना है, ठीक है ना, चाबी को आप ऑन ऑफ कर लेना, एंड चाबी निकालना, और जो मैंने वायर और यहाँ के जो मैंने बताए थे वायर, उनको जो है आपको लगाना है, एंड स्टार्ट करके देखना, एंड बूम गाइस आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी, ये वर्किंग है। और इससे भी नहीं होता है तो आप फिर शोरूम पर फ़ोन लगाएं एंड स्कैनिंग वाले को बुलाएं, बाकी आपका खर्चा होगा 2-3 हज़ार रुपये का, 35-4 हज़ार तक आपका खर्चा आएगा, उसमें आपको लूट लिया जाएगा। क्या ही करें यार, ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ना ऐसी होती हैं। तो आप एंड देन जो लास्ट में शोरूम वाले को कॉल कर सकते हो, बट पहले आप खुद ही चेक कर सकते हो इस चीज़ को, और ये काम करती है, मैंने भी किया है ये, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाता ऐसी फालतू चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना, व्यूज़ वगैरह कोई लालच नहीं है मेरे को, काम की चीज़ थी मैंने बताई, और ठीक है अब जो भी है। तो फाइनल ईयर लिरिक्स वगैरह म्यूज़िक वीडियो बनाने वाला था मैं, बट कुछ तालमेल मिल ही नहीं रहा यार, क्या ही बताएं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो एक मिनट गाइस, जाने से पहले एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जैसे कि एक मिनट यार, ये चाबी ना, जैसे कि मैं चाबी को ऑन कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर आपको सेल्सियस टेम्परेचर होगा एसी वाला, ठीक है ना, ये वाला हाई हो जाता है कभी कभी, उसका रीज़न ये होता है कि आपने धूप में ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी कर दी, एक हफ्ता हो गया आपको धूप में गाड़ी खड़े हुए, और या कुछ चीज वायर वगैरह चूहे ने काट दी हो, उससे भी ये दिक्कत आती है, तो आपको करना कुछ नहीं है। एंड मैं बता देता हूँ, अगर टेम्परेचर लाइट आती है तो आप ये काम करो, अदरवाइज़ ये काम मत करो, मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना, और कोई गलती मत करना। तो आपको बोनेट खोलना है, एंड बोनेट खोलने के बाद ये अपन ने बोनेट खोला, और बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ गाइस, तो ध्यान से देखना। तो फर्स्ट एयर इज अ सेंसर, ठीक है ना, उससे पहले आपको प्लस माइनस के वायर को निकालना है बैटरी के, उस पहले प्लस माइनस के वायर निकालो, चाबी निकालो, एंड ये है फर्स्ट सेंसर, इसे निकालना है आपको, और ये रहा सेकंड सेंसर, इसे भी निकालना है। ये देखो, ये पूरी एयर वाला सिस्टम होता है ये, ठीक है ना, यहाँ से एयर वगैरह जाती है, कूलेंट वगैरह सारा चेक कर लें आप, उसके बाद सेंसर निकाले दोनों, ये वाला सेंसर एंड ये वाला, दोनों को निकालना है, एंड बैटरी के वायर्स भी निकाल देने हैं आपको, की निकालनी है, एंड उसके बाद जो है आप एक बार इन्हें चेक कर लें, कहीं चूहे ने तो नहीं काट दिए, और वायर्स वगैरह को चेक कर लें, एंड उसके बाद इन सेंसर्स को वापस से लगा दें जहाँ लगे थे पहले, और बैटरी के वायर्स को भी जोड़ दें, एंड देन जो है वापस से आप स्टार्ट करके देखें, और ये वर्किंग है, ठीक है ना, अगर ऐसी सिचुएशन अदरवाइज होती नहीं है, बट 100 में से 10% हो जाती है कभी कभी, 1% चांस रहते हैं, 10% क्या परसेंट बता रहा हूँ मैं। ओके, तो कभी कभी हो जाती है, तो आप ये कर सकते हो, और अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके वापस से देख लो, तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, एंड मस्त यार पानी वानी आ रहा है, ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।